कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के लिए जो क्वेरीज थी उनको क्लब करके एक वीडियो बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके हैं। फर्स्ट गुरतेज सिंह जी हैं। सर मैंने किसी प्राइवेट कॉलेज में 2012 तक पढ़ा रहा हूँ बट मेरा यूजीसी नेट का टेस्ट जून 2019 से क्लियर हुआ है। प्लीज एक्सप्लेन के टीचिंग एक्सपीरियंस कब का बनाना है। ठीक, ये सबसे पहले ये मान लीजिए इनका जो रिसर्च एक्सपीरियंस है ये प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस को वो वेटेज ना दे, लेकिन इसको सोचना नहीं है आपने। आपने यहां पर भी पॉजिटिव लेके चलना है। 2012 से पढ़ा रहे हो, मेरे मुताबिक तो चलो ये एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये वाला एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब बंदा रेगुलर हो जाता है ना तब उसका एक्सपीरियंस वीक होता है, ये बात याद रखनी है। ये रिफ्लेक्टिव होता है, ज्यादा मेहनत हम इसमें करते हैं। ठीक, लेकिन ये क्राइटेरिया हो सकता है कि नेट जब आपका पास हुआ है, इसके बाद एक और है जो आप क्वेश्चन में पूछ सकते थे। नेट होने के बाद प्राइवेट कॉलेज में आपकी अप्रूवल लेटर जो है, एक पैनल बैठ के यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके, यूनिवर्सिटी का पैनल सॉरी जो आपको सेलेक्ट करता है और यूनिवर्सिटी एक अप्रूवल लेटर देती है, वहां से 100% गिना जाता है। ये बात पक्की है। कई यूनिवर्सिटीज जब यूजीसी नेट आपका क्लियर हो जाता है तब से वो काउंट करती है। ठीक, आपको 2012 से पढ़ा रहे हो, एडहॉक का है, प्राइवेट का है। देखिए, मैं भी मेरी भी जब सिलेक्शन हुई थी तो मेरी प्राइवेट और एडहॉक का कुछ एक्सपीरियंस था मेरा, तो मेरा काउंट हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं आपको ये पॉजिटिव लेके चलना है। आपने एक्सपीरियंस, आपका क्वेश्चन नहीं है ना टीचिंग एक्सपीरियंस कब से बनाना है। आप जब से टीच कर रहे हो वट एवर ईयर ये है और जिस भी संस्था में मर्जी पढ़ा रहे हो उसको मत सोचो, ये वो हो सकता है। यहां से अपना एक्सपीरियंस काउंट करो टोटल आज तक का। ठीक है, बट एक माइंड में एक ख्याल रखना है, जब शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से कैलकुलेशन हो और यहां से कैलकुलेशन, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये मैं परसेंटेज भी नहीं बता सकता। तो आपको हर हालत में अपना मैक्सिमम बताना है। तो आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जब से आप टीच कर रहे हो, आंसर आपका ये है, वहां से कैलकुलेट करके यहां तक आप बनाइए। हाँ, मन में ये रखिए कि हो सकता है मेरा ये काउंट ना हो। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी में नहीं हुआ था। ठीक है, वो प्रिंसिपल के एक्सपीरियंस में है चाहिए। मेरे ख्याल में आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो हाँ, ये पॉजिटिव है कि एक्सपीरियंस को वेटेज दी जाएगी। ठीक, तो टोटल आपका आंसर ये हो गया कि आपने मैक्सिमम अपना शो करना है जो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। अगर सर्टिफिकेट्स हैं तो वहां तक का आप शो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जे रिसर्च स्कॉलर के तौर पे पढ़िया होवे कि वो लिख सकते हैं या नहीं। देखिए, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा कि रिसर्च स्कॉलर के तौर पे आपने पूछा है, रिसर्च स्कॉलर के तौर पर अगर ने पढ़ा हो तो रिसर्च स्कॉलर के तौर पर क्या पढ़ा हो, क्या लिख सकते हो, क्या आप रिसर्च एक्सपीरियंस कह रहे हो या टीचिंग एक्सपीरियंस कह रहे हो या कुछ और कह रहे हो, ये क्वेश्चन आप क्लियर कर दीजिए। हाँ, अगर आपने रिसर्च स्कॉलर के तौर पर आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो वो आप लिख सकते हो, रिसर्च एक्सपीरियंस एज रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, रिसर्च स्कॉलर जहां ब्रैकेट में डाल दीजिए, रिसर्च स्कॉलर आप बता सकते हैं। ये बात है, क्वेश्चन अनक्लियर था, आप क्लियर कीजिए, मैं इसका जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट है, इज यूजीसी नेट मैंडेटरी फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ पंजाबी यूनिवर्सिटी। ये मैं अलग से वीडियो अभी बना देता हूँ एलिजिबिलिटी पर के कौन से एलिजिबल है, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा यूजीसी रेगुलेशन 2018, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि यूजीसी रेगुलेशन जो है उसके अनुसार ये रिक्रूटमेंट होगी, प्लस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेक ए वीडियो ऑन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अलग से बना देता हूँ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पर। ये दो अलग अभी आ जाती है, ये तस्वीर दी है, खबर देखना जरा। थैंक यू
डिमांड ड्राफ्ट कौन से बैंक से बनेगा? दिल्ली में रहती हूँ, क्या मुझे पटियाला आना पड़ेगा? क्या नहीं, देखिए पेएबल एट पटियाला चाहिए, इसका आंसर यही है। आप कहीं से भी और किसी भी बैंक का बनवाओ, बैंक उन्होंने कोट नहीं की हुई। हाँ, इस क्वेश्चन को मोस्ट वैलिड ऐसे किया जा सकता है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कौन सी बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इट मींस अगर आप बैंक का भी पूछना चाहते हो, अदरवाइज कोई रिस्ट्रिक्शन उन्होंने नहीं बताई हुई, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेएबल एट पटियाला का डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। ठीक है सर, प्लीज अपलोड द रिमेनिंग वीडियो, हो चुकी है अपलोड। सर व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर दीज पोस्ट? कोई एज लिमिट नहीं है इसकी, इवन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है। ये हम जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है गवर्नमेंट जॉब जो पंजाब में निकली थी उसके लिए एज लिमिट का विवाद रहा था, लेकिन बाद में 37 से वो 45 तक प्लस कर दी गई थी। तो यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, आपकी कोई भी एज है आप फिल कर सकते हो। इट मीन्स इन्होंने ब्रॉडर कर दिया है एरिया, उसका एज लिमिट होगी। सर JRF का एक्सपीरियंस काउंट होता है, प्लीज रिप्लाई। ये देखिए ये जो JRF का है ना, JRF जब आप करते हो, मान लीजिए 3 साल आप यूनिवर्सिटी में रहे, थ्री ईयर में आपका रिसर्च तो आप कर रहे हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है। ठीक है, लिख सकते हो आप जो टीचिंग का एक्सपीरियंस साथ में होता है, टीच कर रहे हो आप, तो टीचिंग करने वाला जो एक्सपीरियंस है वो इस ये 3 ईयर का 4 साल का जितना भी आपको मिल रहा है ये पीरियड, उसमें ये काउंट नहीं होता। हाँ, ये JRF का है, एक होता है पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च एक्सपीरियंस। ठीक, तो ये पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, ये ड्यूरिंग JRF है, ये अपना मेंशन कर सकते हो, ये काउंट होता है, आप लिख सकते हो। सर अदर स्टेट वाले दल, हाँ अदर स्टेट वाले मेरे ख्याल में पूछा गया है कि अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कंडीशन रिजर्वेशन वालों के लिए है, रिजर्वेशन कई पंजाब के लिए है, वो इंस्ट्रक्शन फर्स्ट वीडियो उसके लिए आप देख सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये मोड ऑफ सिलेक्शन ये वीडियो है, आप पूरा वीडियो वो देख लीजिए जितना चाहिए, पूरा ये नहीं है कि जरूरी देखना है, लेकिन होगा, अभी तक होगा, लेकिन चेंज होने की संभावना है कि टेस्ट में तब्दील हो जाए, इसकी एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में मैंने दी हुई है। ठीक है, ये टेस्ट होगा कि बार बार सिलेक्शन की बार बार। ओके सर, ये तो रेगुलर वैकेंसी है, यस ये रेगुलर पोस्ट है, ये पहले भी बता चुका हूँ। सर अगर सेंट्रल ग्रांट बेस्ड जॉब है तो पंजाब में 15/1/2015 क्यों अप्लाई किया है? वेरी थैंक यू CA इंद्रप्रीत सिंह जी ने बहुत अच्छा ये कहा है कि ये आप राइट कह रहे हो। वैसे इस पर डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था जब ये 15/1/2015 का भी वो जो जिस गवर्नमेंट ने जो आपके लिए तोहफे छोड़ रखे हैं, वो तोहफा ये है कि जो एक इंटरफेरेंस है सैलरी में पहले 2 साल के लिए, वो अलग से वीडियो में बता दूंगा। हाँ आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है, ये कोर्ट के पास जाया जा सकता है अगर कहीं सेंटर की पोस्ट है तो ये इंटरफेरेंस क्यों है। ठीक, लेकिन ये रेगुलर है, इनकी जो भी सैलरी डिसाइडेड है, यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में आपको अप्लाई कर देना चाहिए, आपको प्रोसीजर में आ जाना चाहिए। इसके लिए युद्ध जो लड़ना है आप बाद में साथ साथ में लड़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि वो वीडियो भी मैं उसका नाम भी यही रखूंगा, रोल वर्सेस रूल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इन दीज पोस्ट्स, है ना। रोल कितना है इंटरफेरेंस, रूल क्या है, रूल की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। जैसे पॉजिटिव भी एक है कि 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, वो पंजाब गवर्नमेंट का रूल है। ठीक, एक और क्वेश्चन था कि जो टेम्परेरी पोस्ट पर हैं, जैसे एडहॉक प्राइवेट कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं, उनको NOC लेना पड़ेगा या नहीं? टेम्परेरी है, और टेम्परेरी हुआ तो फिर NOC काहे का बनेगा, फिर मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है आपको। आपका अच्छा रिश्ता है वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, आप ले लीजिए, अदरवाइज बिना उसके आप अप्लाई कर दीजिए,
उसके बिना आप अप्लाई कर सकते हैं अगर टेम्परेरी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी कहाँ फिल करनी है, ये आप देख सकते हैं फॉर्म में 9 नंबर पेज पर है। डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब और बैकवर्ड क्लास, आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी फिल कर सकते हैं जो भी रिजर्वेशन की दी हुई है, क्लासिफिकेशन दी हुई है। अगर आप उस क्लासिफिकेशन में कहीं आते हो, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ रहे हो, तो नेचुरली आपको भी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप फुल लिखिए कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उसके सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये आपको अटैच साथ में करना पड़ेगा। ये मैं डिफरेंट वीडियो में बताता हूँ टोटल कौन से डॉक्यूमेंट आपने साथ में अटैच करने हैं, कौन सी लिस्ट बनानी है कि आपका बहुत अननेसेसरी भी लोड ना हो जाए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ फिल कर सकते, मेरे ख्याल में दैट्स ऑल। अगर और कोई क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, अप्लाई जरूर कीजिए। थैंक यू।